नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मैं आपको सूजी का लड्डू बनाना सिखा रही हूँ, वो भी कुकर में। कुकर में बनाना बहुत इजी है और चाशनी लेने की है वो ज़रूरत नहीं है। मैंने 500 ग्राम सूजी लिया है और इसमें थोड़ा सा, जितना हो सके उतना दूध को थोड़ा सा गीला हाथ कर कर ऐसे मिक्स किया है। फूलने के लिए इसको हाथ से मसलना है थोड़ा सा, इस तरह से करीब 5 मिनट तक ऐसे मसल देना है। और इसके बाद हमको इसको कुकर में रख देना है कुछ इस तरह से। कोई सा भी ऐसे ढक्कन ज़्यादा टाइट लगे वैसा वाला डिब्बा चुनना है और उस डिब्बे में इस सूजी को भर देना है। और कड़क उसका ढक्कन होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, वैसे वाला डिब्बा। और कुकर में आने के लिए अंदर कुकर में भी बैठना चाहिए। इस तरीके से आपको डिब्बा लेना होगा। और कुकर मैंने रखा है गरम, गैस अभी मैंने ऑन किया। अब इसमें मैं आधा ही लोटा पानी डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, गिलास के हिसाब से ले लो तो 1 गिलास। अभी मैंने ये डिब्बा इसमें रख दिया है। ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूंगी कुकर का और 6 सीटी होने देना है इसकी। 6 सीटी होने तक हमको इसको उतारना नहीं है। जब 6 सीटी हो जाएगी तब हमको इसको उतार देना है। अभी मेरे 5 सीटी हो चुकी हैं और ये 1 सीटी मैं आपके सामने लगा रही हूँ। अब मैं इसको खोल दूंगी। 6 सीटी हो चुकी हैं और ये देखिए, ये पक चुका है। 6 में ये पक ही जाता है, थोड़ा गर्म है। धीरे खोलिए। अभी ये देखिए, ये पक गया है, फूल गया है, थोड़ा सा फूला जैसे, पका पका जैसे महसूस हो रहा है हाथ को। और अभी इसको निकाल लेना। निकालते समय ऐसे जुड़ के ये खड़ा हो जाए ना तो समझ जाओ कि ये पक चुका है अच्छी तरह से। इसको तोड़ देना है और इसमें हमको घी ऐड करना है। मैंने बड़ा सा चम्मच, बड़ा वाला ही 1 चम्मच डाल दिया है। आपके पास मीडियम चम्मच है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। और मैंने बड़ा वाला चम्मच से सिर्फ 1 ही चम्मच डाल दिया। और ये शुगर पाउडर है, शुगर पाउडर ही आपको इसमें डालना होगा, ना कि शुगर का पाउडर बनाकर डालोगे तो नहीं चलेगा। आपको ये खरीदना पड़ेगा और ये ही आपको ऐड करना होगा। 500 ग्राम है ये और 500 ग्राम सूजी है, तो मैं इसमें 300 ग्राम शुगर का पाउडर ऐड कर दूंगी। आप चेक करके भी देख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो पूरा डाल दीजिए, कम चाहिए तो आपके हिसाब से। अब इसको मिला दीजिए और गरम गरम, इसको ज़्यादा गरम भी नहीं है, और इसको बांध देंगे। मिलाकर आप हाथ में लेकर इसे बांध के देखिए, बन रहा है तो बस करिए, अगर नहीं बन रहा तो थोड़ा सा चीनी का बूरा है थोड़ा और डाल देना। मैंने थोड़ा सा नारियल का भी बूरा डाल दिया है इसमें, आप भी डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जुड़ रहा है। अभी हम इसको पूरे को मैं बना देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करिए आपको समझ में